看你呀、तू इतना पूजा पाठ करेलू देवी मैया के, लेकिन हमारा लाग रहल भकी जिससे देवी मैया तारा से नाराज बाड़ी। अगर देवी मैया नाराज ना रही थी तो तारा आवाज सुनती, तारा ऐसा दशा ना रही कनिया। जब देवी मैया तार आवाज सुन के तारा साथे न्याय ना कर ली तो तार मौन प्रार्थना के सुन के न्याय करी। हाँ देवी मैया, ये कौन परीक्षा ले रहा बड़ू तू कनिया के? अरे जी, आज तक केहू के खिलाफ अपन आवाज ना उठेलस, आज होकर आवाज बैठ गई बा, फिर और कैसन न्याय बा मैया? ना कनिया, आज तू हमरा के मना मत कर। अरे तू नहीं को बोल सकता, कम से कम हमरा के अपना मन के बात कह दे। कनिया, तू जब से घर में उतर लू हम जानता नहीं कब इनकर कितना पूजा पाठ करे लू, बगैर बिना भोग लगे ले तू अपना मुंह में एक वन के दाना तक नहीं खुदल। पर आज तार ये हालत देखे हमारे मन रो रहा कनिया। अगर तू लिखत पढ़त रहती तो तू अपना मन के बात हमारे से साझा कर लेती। देख कनिया, तो हम तरह से एगो बात कहल चाहती। जानी गुदावरी कर रहा बड़ी ना, वो ठीक नहीं करत अमर के साथ। अरे कोनो लिहाज से ठीक नहीं खे, अरे करीहन उनका रिश्ता खराब हुई अमर के साथ, लेकिन सजा तारा के मिली। गुस्सा तारा पे हुई है अमर, अगर तार तलाक हो जाए तो तू केने के होई? वो कभी सोच ले बड़ू, गोदावरी के ये सब करे से मना कर, रोक। लेकिन अगर तार तलाक हो गई तो वो अपने आप के कभी माफ ना कर पाई है कि उनका चलते तार तलाक हो गई। गोदावरी पर भी ना जीवन भर खातिर दाग लग जाए कि वो अपना खातिर तार तलाक करवा दिली। ऐसा नहीं होगा बड़ी मम्मी जी, 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 नहीं होगा बड़ी मम्मी जी। आज खुद अमर जी ने जगत देवर जी और रंजन देवर जी के सामने बहन से वादा किया है कि वो बहन को कभी तलाक नहीं देंगे। और रही बात हमारा उनसे रिश्ता खराब होने की, तो बड़ी मम्मी जी, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कोई गलत नियत से तो नहीं कर रहे हैं ना? देखो गोदावरी, हम इन्हें ही कहा कि तहार कोनो इरादा गलत बा और हम तारा पे शक भी नहीं करत, लेकिन तहार विचार और कन्या के विचार अलग बा। अरे हम जितना कन्या के जानता नहीं, हम ई दावा से कह सकता नहीं कि कन्या अमर के सजा देवे के विचार मन में ला भी नहीं किसी। कन्या से पूछे की कोशिश कर लू कि कन्या ओहमे सहभागी बाड़ी की ना? अरे पूछा ना, पूछा कन्या एजे बाड़ी। हम दावा से कह सकता नहीं कि कन्या कभी सहमत ना हुई है अमर के ये सब सजा देवे खाती। अरे बोल नहीं की सकत, कम से कम हाँ और ना में सर तो हिला सकता रही। कहो कन्या, बोला। अरे जौन गोदावरी सजा दे रहल बड़ी अमर के, का तू उनकरा में सहभागी बाड़ू? तारा मंजूर बा कि अमर के सजा देहल जाओ? देख लू गोदावरी, अरे हम कन्या के 8-10 साल से जानत नहीं और हम इनकरा अच्छी तरह से जानत नहीं कि इनकरा का अच्छा लगी का ना लगी। और तू जौन अमर के साथ कर रहा बाड़ू ना, सब अपना मर्जी से कर रहा बाड़ू। तब तारा आगे का करे के बाद तू सोचा, तू बिचारा। बड़ी मम्मी जी, आपने तो बहन से पूछ लिया, एक बार हम भी बहन से पूछ ले कि उनका क्या जवाब है। बहन, आपने बड़ी मम्मी जी के सवाल का जवाब ना में सिर हिला के दिया है। अब हमारा सवाल ये है कि अमर जी ने आपके साथ जो भी कुछ किया है
क्या वो सहन करने के लिए आप तैयार हैं? और क्या आप उनकी ऐसी हरकतों को सहन करने के लिए हमेशा तैयार रहोगी? बोलो बहन, आपको उनकी बदसलूकी बर्दाश्त है? सही कहा बड़ी मम्मी जी ने, आप अलग हो और हम अलग हैं। आप उनकी कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त कर सकती हो। जब आपकी आवाज थी तब ही आप मौन थी, तो अब तो आपकी आवाज सचमुच में जा चुकी है, अब क्या बोलेंगी आप? लेकिन एक बात जान लो बहन, अगर आप ये सब बर्दाश्त कर सकती हो तो जरूरी नहीं कि हम भी बर्दाश्त कर सकते। इसलिए हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आप जैसे बर्दाश्त करती आई हैं, आगे भी करते रहिए, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि कोई आपको प्रताड़ित करे और चुपचाप हम मौन खड़े रहें। हमसे ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं होगा। बहन, हमें बड़ी मम्मी जी ने बताया है कि आप बहुत रामायण और महाभारत की गाथाएं सुनती हो और उन्हें देखती भी हो। तो क्या आपने महाभारत का वो प्रसंग नहीं देखा जिसमें भरी सभा के सामने पूरे परिवार का एक आदमी द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है और बाकी सारे लोग मौन खड़े होते हैं? तो क्या आप ये चाहती हो कि हम भी वैसे ही मौन हो जाएं? और आपने देखा ना कि सब महारथियों के मौन होने का नतीजा कितना भयावह निकला, इसका तो ईश्वर साक्षी है, पूरा संसार साक्षी है। मौन होकर अपराध को देखना भी अपराधी का साथ देना ही होता है, और हम ऐसा नहीं कर सकते बहन, काल चाहे कोई सा भी हो बहन। लेकिन जहां स्त्री का अपमान होता है वहां पूरा समूल नष्ट हो जाता है और इतिहास इसका साक्षी है। जुल्म करने वाले को सजा मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर जुल्म करने वाले को सजा नहीं मिलती तो उसका हौसला भी बढ़ता है और उसे देखकर और नए जुल्म करने वाले पैदा हो जाते हैं। और मेरा इनके साथ रिश्ता कैसा रहेगा ये सोचकर मैं अगर इनके जुल्म में इनकी भागीदारी बन जाऊं, तो बहन ऐसा मुझसे नहीं होगा। अब आप ही बताइए, आप चाहते